नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ हम शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के चोपटा से है। चोपटा के दयानंद स्कूल के संचालक के सुसाइड मामले में अब एक बड़ी अपडेट यह है कि उसके मुख्य आरोपी हनुमान पुनिया को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इसमें पुलिस को सबसे बड़ी तलाश है वो पिछले कुछ दिनों से इस आत्महत्या के केस के बाद जब पुलिस भिरानी थाना राजस्थान पुलिस ने केस दर्ज किया था, उसके बाद लगातार तमाम स्कूलों के संचालक पुलिस के समक्ष पेश हुए थे और इसके साथ साथ विधायक बलवान पुनिया से भी मुलाकात है वो की गई थी। मगर हमारे सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हनुमान पुनिया यूट्यूबर पत्रकार की तरफ से खुद भिरानी थाना पुलिस में जाकर उन्होंने थाने में जाकर सरेंडर किया। मगर एक खबर ये भी चल रही है कि उन्हें हनुमानगढ़ क्षेत्र से पुलिस ने आसपास के क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मगर जो हमारे सूत्र कह रहे हैं वो ये है कि हनुमान पुनिया खुद पुलिस थाने में पहुंचे जहां से उन्हें पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया। मगर अभी भी पुलिस को अन्य चार आरोपियों की तलाश है, लेकिन मुख्य आरोपी हनुमान पुनिया अब पुलिस की कस्टडी में है जहां पर गहनता से पुलिस जांच करेगी। मगर कई अहम सवाल है, अब पुलिस के सामने इस सुसाइड की गुत्थी को सुलझाने के लिए चूंकि जो बड़े गंभीर आरोप है वो रविंदर गुदारा की तरफ से अपने सुसाइड नोट में और उन्होंने जो वीडियो जारी किया गया था उसमें उन्होंने लगाए थे, सवाल यह है अब पुलिस क्या हनुमान पुनिया के फोन की कॉल को भी ट्रेस करेगी। सबसे अहम बात है कि पिछले एक सप्ताह के एपिसोड में खास करके जब रिजल्ट को लेकर परिणाम को लेकर लगातार दयानंद स्कूल की कवरेज हो पा रही थी, पुलिस ये भी सुराग जुटाने की कोशिश करेगी आखिर मृतक रविंदर गुदारा की हनुमान पुनिया के साथ कितनी बार बातचीत हुई। इसके अलावा हनुमान पुनिया की भी फोन कॉल से रविंदर गुदारा के साथ पिछले एक सप्ताह या फिर 15 दिनों के भीतर कितनी बार फोन पर कॉल पर बात हुई और वो कितने मिनट कॉल की गई उनकी। दूसरी बात है, पुलिस अब रविंदर गुदारा के फोन की तलाश में भी है, उसके माध्यम से भी पुलिस अहम सुराग तक पहुंच सकती है क्योंकि रविंदर गुदारा की तरफ से अपने सुसाइड नोट में और वीडियो क्लिप में ये बोला गया था कि उनके खिलाफ ना सिर्फ ये जो यूट्यूबर की तरफ से उन्हें प्रताड़ित किया गया बल्कि एक अन्य षड्यंत्र भी उसके खिलाफ साजिश तैयार हो रही थी। अब पुलिस को इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से हनुमान पुनिया दे पाएंगे। क्या हनुमान पुनिया को इस बात का पता है आखिर वो कौन सी बड़ी साजिश थी जिसका शिकार जो रविंदर गुदारा हो सकते थे। दूसरी अहम बात है, एक वीडियो क्लिप में अपना पक्ष रखते हुए रविंदर गुदारा की इस मौत पर खेद व्यक्त करते हुए हनुमान पुनिया ने भी कहा था कि वो भी इस पर दुख प्रकट करते हैं उनकी आत्महत्या के बाद, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि ऐसा ना हो कहीं मुख्य आरोपी छूट जाए और हनुमान पुनिया को ही इसमें फंसाया जाए। मगर अब सवाल ये भी है क्या हनुमान पुनिया को भी उस आरोपी के बारे में या फिर उस षड्यंत्र उस साजिश के बारे में पता है जिससे रविंदर गुदारा सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए थे। अब पुलिस को यह भी तलाश रहेगी आखिर हनुमान पुनिया की पिछले एक सप्ताह या दो सप्ताह के भीतर किन किन लोगों के साथ कॉल पर बात हो रही थी, वो बात जिन लोगों के साथ हो रही थी क्या उनका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं रविंदर गुदारा के साथ था या फिर तीसरा थर्ड पार्टी ऐसी कौन थी जो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मीडिएटर का काम कर रही थी। पुलिस ये भी तलाश करेगी तमाम वीडियो क्लिप्स को देखकर आखिर हनुमान पुनिया की स्कूल में एंट्री कैसे हुई, कैसे हनुमान पुनिया को सबसे पहले वो कौन शख्स था जिसने रविंदर गुदारा के खिलाफ वो तमाम साजिश रची और हनुमान पुनिया की वहां पर एंट्री हुई, क्या कभी फोन कॉल्स पर भी हनुमान पुनिया की तरफ से रविंदर गुदारा पर कोई दबाव बनाया गया बहुत बड़ी डील सेट करने के फिराक में हनुमान पुनिया या फिर अन्य यूट्यूबर या फिर लोग थे, ये भी पुलिस अहम कड़ी के अंदर जोड़ने का काम करेगी। इसमें और अहम बात है जो इस जांच में पुलिस आगे बढ़ाएगी वो ये है, अब पुलिस को ये भी देखना होगा आखिर वो मुख्य साजिशकर्ता कौन थे जिसका जिक्र
वीडियो में रविंदर गोदारा ने खुद किया था कि एक और षड्यंत्र की कोशिश हो रही थी, एक और ऐसा स्कूल जिसका बिना नाम लिए उन्होंने कहा था अब पुलिस को उसकी तलाश भी होगी। अगर स्कूल किसी का षड्यंत्र इसमें शामिल है तो फिर उसकी बात भी क्या हनुमान पूनिया के साथ हुई थी? सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान पूनिया को भी किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की तरफ से मोहरा बनाया गया था, या फिर सारा काम रविंदर गोदारा को बदनाम करने के लिए, या फिर स्कूल में अपने टीस निकालने के लिए क्या किसी अन्य पार्टी की तरफ से हनुमान पूनिया या फिर दूसरे यूट्यूबर को भी इसका सहारा लिया गया था? लेकिन अब यश बांबू सहित तमाम अन्य आरोपियों की भी पुलिस को तलाश रहेगी, कई अहम सबूत है वो पुलिस जुटाने की कोशिश करेगी, पूरी जो सीन है वो पुलिस क्रिएट करने की कोशिश करेगी। आखिर रविंदर गोदारा को इस कदर इस सीमा तक क्यों पहुंचना पड़ा कि उन्हें अपनी आत्महत्या यानी अपनी जान गंवानी पड़ी? अब पुलिस को इन तमाम सवालों के जवाब खंगालने होंगे। कहीं ना कहीं अब हनुमान पूनिया भी इसमें मुख्य सूत्रधार के तौर पर पुलिस की मदद कर सकते हैं ताकि इस राज से पर्दा उठाया जा सके। अब देखना होगा राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से पैरवी करती है, आखिर कब तक बाकी के बचे जो आरोपी और अन्य नाम हैं उन लोगों की पुलिस गिरफ्तारी कब करेगी, क्योंकि लगातार तमाम जिले के स्कूलों की ओर से, तमाम एसोसिएशन की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से इस बात का पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बना जा रहा था कि मुख्य आरोपी सहित दूसरे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसके अलावा विधायक बलवान पूनिया की तरफ से भी इसमें निष्पक्ष जांच की जाने की मांग की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब इस बात के बिल्कुल पुलिस करीब पहुंच सकती है, आखिर हनुमान पूनिया और रविंदर गोदारा के बीच में क्या क्या बातचीत हुई थी, कब कब हुई थी, और आखिर रविंदर गोदारा पर कौन वो शख्स था जो बार बार प्रेशराइज कर रहा था, दबाव डाल रहा था, ये तमाम बड़े सवाल हैं अभी भी जो अनसुलझे हुए हैं। कैमरामैन हेमबर्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, चोपटा।